गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम क्या पढ़ेंगे? चैप्टर 16। क्या पढ़ेंगे? चैप्टर 16, जिसका क्या नेम है? मल्टीप्लिकेशन टेबल्स। क्या नेम है? मल्टीप्लिकेशन टेबल्स। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम टेबल्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? टेबल्स पढ़ेंगे। तो कल हमने 2 की टेबल को अच्छे से स्पीक किया था। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 10 जा 20, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 3 10 जा 30। तो आज आप क्या करोगे? आज आप क्या करोगे? अपनी बुक से क्या करोगे? 2 and 3 की टेबल को क्या करोगे? 2 and 3 की टेबल को अच्छे से स्पीक करोगे, अच्छे से स्पीक करोगे, और बाद में क्या करोगे? इस टेबल को अपनी नोटबुक में अच्छे से राइट करोगे। क्या करोगे? अपनी नोटबुक में अच्छे से राइट करोगे और इनको बार बार स्पीक करोगे। क्या करोगे? इनको बार बार स्पीक करोगे। कैसे राइट करोगे? 2 1 जा 2, 2 2 जा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 10 जा 20, 2 10 जा 20। तो ऐसे क्या राइट करोगे? पहले आप 2 की टेबल राइट करोगे, उसके बाद में 3 की टेबल। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 3 10 जा 30। तो पहले क्या करोगे? पहले अपनी बुक से
इन टेबलों को स्पीक करोगे, 2 और 3 के टेबल को क्या करोगे, स्पीक करोगे। उसके बाद में अपनी नोटबुक के अंदर 2 और 3 के टेबल को राइट करोगे, क्या करोगे, राइट करोगे और फिर इनको अच्छे से स्पीक करोगे। ये क्या है आपका एस डब्ल्यू है, होमवर्क है। तो क्या करोगे आज अपनी नोटबुक में, आज आप अपनी नोटबुक में 2 और 3 की टेबल को अच्छे से राइट करोगे और फिर इनको अच्छे से बार बार स्पीक करोगे। ओके ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। आज आपको 2 और 3 की टेबल अपनी नोटबुक में अच्छे से स्पीक करनी है और इनको बार बार क्या करना है, सॉरी, अपनी नोटबुक में अच्छे से राइट करनी है और फिर इनको बार बार स्पीक करनी है। क्या करनी है, बार बार स्पीक करनी है। ओके ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ओके थैंक यू बच्चों। तो इनको क्या करोगे, अच्छे से राइट करोगे और अच्छे से स्पीक करोगे।